الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا अस्सलाम वालेकुम, हाय, वेलकम टू माय चैनल मम्मीज मैजिक। कैसे हैं आप सब? मेरे अल्लाह से दुआ है आप लोगों को सेहत तंदुरुस्ती के साथ आपके घरों में खुश रखे। जो बीमार है, परेशान हाल है, उनकी बीमारियों को परेशानियों को दूर करे और हम लोगों के रिज़्क़ में माल में इजाफा, खैर और बरकत दे। हम सबके हज के महीने में की जाने वाली सारी इबादतों को, नमाज रोज़ों को और सदका खैरात को कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन। आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। आज मैं आपके साथ में वाटरमेलन सॉर्बेट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। और जो भी मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक्चुअली रेसिपी जो है, ये अभी जो है ईद का मौका, उस टाइम पर जो है हम लोग काफ़ी ज़्यादा नॉनवेज वगैरह खाते ही हैं, तो उसमें क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा हीट बढ़ जाती है बॉडी में हमारी। तो जो वाटरमेलन है वो नेचुरली जो है हमारे पेट को जो है वो ठंडा करता है। और कभी कभी क्या होता है कि आजकल तो मोस्टली जो वाटरमेलन वगैरह आते हैं उनमें मिठास तो बिल्कुल कम होती है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये मैंने वाटरमेलन जो है इसे क्यूब में कट करके इसे फ्रीज कर लिया था। ये ओवरनाइट हमने फ्रीज किया है और इस तरीके से इसे क्यूब्स में कट किया है। और आप ध्यान रखिए कट करते टाइम पर इसमें बीजे नहीं रहे। और यहाँ पर मैंने आधा नींबू लिया है और यहाँ पर मैंने जो है शुगर सिरप बनाया है, जो है शक्कर को उसे चाशनी जैसे घोल लिया है, बना लिया है। तो अभी चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये बस हम लोगों को जो मिक्सर ग्राइंडर होता है उसमें ये जो वाटरमेलन के क्यूब्स हैं ये जस्ट मैंने फ्रीज़र से निकाले हैं और उसी टाइम पर मैं ये प्रोसेस कर रही हूँ। और इसमें अभी नींबू भी ऐड कर देंगे, तो इस बात का ध्यान रखिए कि फ्रीज़र से जब आपको बनाना हो तभी आप निकालिए। और जो शुगर सिरप है वो अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालिए। तो बस अभी इसे हम अच्छी तरीके से ग्राइंड करेंगे। अगर आपको शुगर सिरप के जगह पर अगर आप चाहें तो कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं या तो फिर शहद भी डाल सकते हैं। और दूसरा और कोई फ्लेवर चाहिए तो आप इसमें रॉक सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके का ग्राइंड हो चुका है ये। तो ये एक्चुअली जो है अभी ये वाटरमेलन स्लश जो है इस तरीके से रेडी हो गया है। तो अगर आपको स्लश चाहिए तो आप ऐसे खा सकते हैं, लेकिन सॉर्बेट के लिए थोड़ा हमें और इसे फ्रीज करना होगा। तो मैं इसे 2 घंटे के लिए भी फ्रीज़र में रखूँगी। और जैसा हमारा क्लाइमेट भी यहाँ पर जो है वो काफ़ी हॉट होता है, इतना ज़्यादा ठंडा नहीं है, तो इसे एटलीस्ट 2 घंटा तो आप फ्रीज़र में रख दीजिए वापस से। तो देखिए ये 2 घंटे बाद अच्छी तरीके से फ्रीज़ हो चुका है। अगर आप चाहें तो इसे इस तरीके से क्यूब में भी कट कर सकते हैं या आप इसे बस इस तरीके से चम्मच से भी डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो मैंने देखिए इस तरीके से क्यूब्स में कट किया है ताकि जो क्यूब्स है वो आसानी रहे खाने में भी और दिखने में भी अच्छा रहे। और बस ये हमारा वाटरमेलन सॉर्बेट रेडी हो गया है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी। बहुत ही आसान सी और बहुत ही अच्छी रेसिपी है, ये हर कोई खा सकता है, बच्चों को, बड़ों को, सब लोग खा सकते हैं, इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो आप लोग इसे ट्राई कीजिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक यू सो मच।